भोली सी सूरत, आंखों में गजब का आत्मविश्वास। कौन कह सकता है कि मोहतरमा ने रिश्वत मांगी होगी। एसओजी की एडिशनल एसपी के पद पर रहते हुए दिव्या मित्तल ने हरिद्वार के दवा कारोबारी से पूरे 2 करोड़ की रिश्वत मांग ली। ये आरोप लगते ही दिव्या अपनी सफाई पेश करने लगी। कहने लगी, मुझे तो फसाया जा रहा है। अब आप ही बताइए, किसकी हिम्मत होगी कि वर्दी वाली मैडम को परेशान करने के बारे में सोच भी सके। लेकिन ये अपने बचाव में अब ऐसा कह रही हैं। तो आपने मतलब रिश्वत नहीं ली, मांगी? नहीं मांगी। ये सिर्फ ड्रग माफिया का पूरा रैकेट है ताकि मेरे यहाँ से फाइल हट जाए, क्योंकि मैं उनको लगातार क्रैक करती जा रही हूँ। भाई, आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो यार, आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं यार। मैडम पर करप्शन के आरोप लगे तो एसीबी ने उदयपुर से लेकर झुंझुनू तक छापेमारी की। मैडम ने रिश्वत मांगी थी, इसके कुछ साक्ष्य भी एसीबी को मिले हैं। अब दिव्या मित्तल को रिमांड पर लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है। मैडम का लैपटॉप भी अब एसीबी ने जब्त कर लिया है, जिससे कुछ चौंकाने वाले खुलासे होने की उम्मीद है। कहा तो ये भी जा रहा है कि मैडम इतनी शातिर है कि 2 करोड़ की घूस मांगने वाले शिकायतकर्ता की लोकेशन तक ट्रेस करवा दी। जब शिकायतकर्ता की लोकेशन झालाना आई तो मैडम ने पूछा, एसीबी जाकर आए हो क्या? लेकिन शिकायतकर्ता ने उल्टा ही सवाल पूछ लिया, ये एसीबी क्या होता है? अब ये तो मैडम के लैपटॉप से ही पता चल पाएगा कि इस बात में कितनी सच्चाई है। कहा तो ये भी जा रहा है कि एसीपी की कार्रवाई की भनक मैडम को पहले ही लग गई थी, इसलिए रविवार रात 10 बजे सरकारी कार से मैडम अजमेर स्थित फ्लैट पर पहुंची और 5-6 मिठाई के डब्बे, 2 मोबाइल फोन और 2 बैग लेकर ब्यावर रवाना हो गई और रास्ते में आना सागर झील में उन सबको फेंक डाला। अब एसीपी की टीम आना सागर झील पर पहुंच चुकी है। मदद के लिए एसडीआरएफ की टीम को भी बुलाया गया है। खास बात ये है कि एसीबी की टीम मैडम को भी साथ में लेकर आई है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो एसीबी की जांच के बाद ही पता चल पाएगा। मैडम अभी एसीबी की रिमांड में है। रिमांड के दौरान इस बात का खुलासा हो सकता है कि उनके सिर पर किसका हाथ है, क्योंकि जब मैडम उदयपुर में आबकारी विभाग में डीएसपी थी, उस दौरान भी उन पर शराब माफियाओं से साठगांठ के आरोप लगे और उन्हें 2 महीने तक एपीओ रहना पड़ा था। यही नहीं, टॉक में सहायक कमांडेंट रहते हुए मैडम 149 दिन तक बिना किसी सूचना के छुट्टी पर रही। मैडम के खिलाफ जब विभाग ने जांच की तो सामने आया कि दिव्या मित्तल ने 54 दिन का तो मेडिकल लगा दिया, लेकिन 95 दिन की छुट्टी का कोई कारण नहीं दिया। इसके बाद टॉक आरएसी के एडीजी ने विजिलेंस को कार्रवाई के लिए लिखा। मैडम के खिलाफ विभागीय जांच चल ही रही थी कि उन्हें एसओजी लगा दिया गया। मैडम की छुट्टी एसओजी एडीजी अशोक राठौर ने मंजूर की थी। इसके बाद जब उनके खिलाफ विभागीय जांच चल रही थी तो एसओजी के एडीजी अशोक राठौर ने ही आदेश निकाल कर उनकी छुट्टी का मामला खत्म कर दिया। फिलहाल मैडम के ठिकानों पर एसीबी की टीम कार्रवाई कर रही है। दिव्या के चिरावा वाले घर से कुछ संपत्तियों के दस्तावेज मिले हैं, जिनकी जाँच की जा रही है। साथ ही उनके रिजॉर्ट में तलाशी के दौरान अवैध शराब भी मिली है, जिसको लेकर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। अब इस मामले में और क्या क्या नए खुलासे सामने आते हैं, ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर हमें बता सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।